अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। छह पहलवान भाइयों ने तारीख रकम कर दी। तमाम के तमाम एथलेटिक्स के इन मुकाबलों में तमाम के तमाम छह भाई फातह करार दिए। बहरहाल कुश्तियों के मुकाबलों में नूरानी तालीम अखाड़े की जो ब्रांच है जिसका नाम है अल आरिफ अखाड़ा, इससे वाबस्ता जुमला 12 पहलवानों ने इस एथलेटिक्स के यानी कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इन 12 के 12 पहलवानों ने शानदार अपने जो है फ़न का मुजाहरा करते हुए यानी फ़न कुश्ती का मुकाबला करते हुए शानदार फतेह हासिल की। इन फतेहयाब नौजवान पहलवानों की एक तहनीती तकरीब इस सिलसिले में बंदागुड़े इलाके में अल आरिफ अखाड़े में मुनक्कद की गई। इस मौके पर अल आरिफ अखाड़े ने और जो उनके जो उस्ताद और कोच भी है उन्होंने मीडिया को सारी तफसीलात बताई। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान जो अपने जिस्मानी एतबार से सेहत के एतबार से मज़बूत होना चाहते हैं वो ज़मीनी कसरत को रिवाज देना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इब्राहिम की ये रिपोर्ट। नूरानी तालीम ब्रांच अल आरिफ अखाड़े से हमारे 12 बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कुश्ती जीत के हासिल किए हैं और बहुत अच्छे प्राइज़ मारे हैं। लोगों कुछ सिकंडों में कुश्तियाँ मारे हैं बच्चे मेरे तालीम के और मेरे घर के भी बच्चे हैं माशाल्लाह आधे और आधे बस्ती के बच्चे हैं और जिसको जुस्तो जो है वो लोग जो है ना बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दिए हैं और वहाँ के जफर पहलवान के दंगल के भी लोग बहुत खुश हो गए हैं। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले जनरेशन को भी तेलंगाना केसरी के लिए भी तैयार कर रहा हूँ मैं। कितने बच्चे अभी करे? अभी जो है ना 25 बच्चे करे मेरे कने, अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे जीत लिए, अल्लाह का फजल करम है। फिर आने वाले पीरियड में इंशाल्लाह ये याकूत पर हुए थे कुर्सियाँ, ये अभी हुए थे आज की तारीख में। सालम बोलाना अखाड़ा यहाँ पे अखाड़ा डालने के बाद कई नौजवान बच्चों को शोर पैदा हो रहा है कि हम भी दंगल सीखना। जी अल्हम्दुलिल्लाह कई आपकी जानिब से बहुत बड़ा कदम है, आप सोचे जो चाहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह मेरे को कामयाबी दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना कामयाबी अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके तहत? नई पीढ़ी को सबको मैं जो है ना अपनी सेहत के लिए जो है ना बिल्कुल आइए आप लोग जो है ना जितने भी पढ़े लिखे काबिल बच्चे ये जो पढ़े लिखे नहीं भी है तो लोग जो है ना सेहत बनाने के लिए बराबर मेरे कहने आइए आप। फिर बिल्कुल जो है ना मेरी औलाद के सर का ही देखता हूँ मैं सबको, मैं किसी को अलग नहीं देखता हूँ दंगल में। रहमतुल्लाह बरकात, बहुत खुशी का दिन है आज हमारे नजम खादरी के 12 बच्चे आज रेजलिंग जीते और मैं पूरे बच्चों को मुबारकबाद देता हूं और अभी आपके सामने बोले कि मैं बच्चों को सर देखते हैं बिल्कुल ऐसा सीधा आदमी सही आदमी मैं आज तक नहीं देखा। बहुत भुला बंदा है ये और बहुत अच्छा आदमी है, जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूंगा कम है।
और हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। और मेरी भी गुजारिश है, देखिए बल्लागढ़ में 25 है, और लोगों से अपील करता हूँ, जो नौजवान बच्चे, सेहत है तो दुनिया है, सुबह अपन अच्छे, मगर सिगरेट मत पिए, ये चीज़ों के मत शौक करिए। आप आइए दंगल में, हमारे नजम खदरी से मिलिए, मिलके आप कुश्ती का इंतजाम करिए। देखिए अभी 25 जीते, इंशाल्लाह आज 25 जीते अल्लाह के वजह से, कल 50 जीतेंगे ये एरिया से, और बल्लागढ़ का नाम इंशाल्लाह और रोशन होगा। अब तो माशाल्लाह है, इंशाल्लाह इसी करते रहेंगे हमारे नजम। और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे नजम खदरी साहब का और मुजीब खदरी साहब का, खासतौर से रिपोर्टरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे लिए उससे कीमती टाइम निकाले, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, ऐसी कामयाबी अता फरमाए।